जो शॉप में बाइक आती है उसमें काफ़ी बेसिक ग्राफिक्स होते हैं, तो थोड़ा हटके अपना एक पर्सनल टच देना ज़रूरी है, तभी तो यार लोग समझेंगे अरे भाई ये अक्षय भाई की बाइक है क्या। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद दो जो मेन चीज़ें होती है उसमें से ऑब्वियसली हेलमेट के पीछे गोप्रो का स्टिकर लगाना और अपने बाइक पे ब्रांडिंग करना, अपने चैनल का नाम का अपना चैनल का नेम लिखना। तो हेलमेट पे तो लग चुका है, हेलमेट पे तो गोप्रो का स्टिकर लग चुका है, अभी जाना है बाइक पे एक स्टिकर लगाने। बाइक पे चैनल नाम लिखना है। बुलेट राजा। तो मेरा एक फ्रेंड का शॉप है जो ऐसा रेडियम वर्क करता है, रेडियम स्टिकर हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं वहाँ से ही किया हूँ मेरे बाइक पे, तो उसी के पास जाना है अभी। अटक गए यहाँ पे, तो मैं गलत घुस गया। सो होप सो मिल जाए मुझे। वो दोस्त के दुकान पे जाते हैं और देखता है, वो मिलना चाहिए साला, वो दुकान चालू छोड़ के किधर जाता है। थोड़ी सी यार गैपिंग खेली जाए यहाँ पे। अपने पास भी है स्किल्स लेकिन ये अपन कभी तो दिखाते हैं जब अर्जेंट लगा होता है, ऐसा फालतू का यार स्ट्रीट रेसिंग या दूसरे को यार डिस्टर्ब करके नहीं चलते क्या। जो नल्ला तेला फोड़ला ऐसा, अगर कोई एड़े चाली करते रहेगा तो फिर पेल देंगे उसको क्या है, मतलब इतना भी रिस्क नहीं लेते। स्ट्रीट रेसिंग तो वैसे भी मुझे पसंद ही नहीं है, बाइक को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखो अपना यही एक मोटिव है। वो देखो अभी मैं रॉन्ग नहीं जा रहा, देखो उधर ही पहुंचना है, साले का शॉप बंद तो नहीं है ना? नहीं नहीं है चालू। और भाई हाँ, अरे क्या बोलता है भाई कैसा है? मेरे को जरा वो आईडी यूट्यूब आईडी डालने का था जरा ना, ये रे। घुमाने में ही जान पे आता है,
हाँ तो चलो, ब्रांडिंग तो हो गया ऑलमोस्ट। तो चलो स्टिकरिंग तो हो गया, अभी एक जगह पे रुक के दिखाता हूँ कि क्या क्या स्टिकरिंग मैंने किया हूँ बाइक पे। क्योंकि जो स्टॉक में बाइक आती है उसमें काफ़ी बेसिक ग्राफिक्स होते, तो थोड़ा हट के अपना एक पर्सनल टच देना ज़रूरी है, तभी तो यार लोग समझेंगे अरे भाई ये अक्षय भाई की बाइक है क्या। यहाँ पे सर्विस रोड पे जाके रुका के अच्छे से दिखा देता हूँ क्या क्या स्टिकरिंग मैंने की है मेरे बाइक पे। सो आई कैन स्टॉप हियर। तो ये है कुछ बाइक, बोल कर रहा हूँ सर, फोन में यार दिखा देता हूँ क्या है, थोड़ा सा और लगता है सर रास्ते पे रुक के बाइक को, अपने बाइक को देखना। बोलेंगे क्या कर रहे हैं, मेरे को मोबाइल पे दिखा दो। वैसे छोटे मोटे कस्टमाइजेशन करते रहने चाहिए बाइक पे, क्योंकि ऐसे यार कितनी बाइक होंगी, तो अपनी बाइक उसमें यार ऐसे खुल के दिखनी मांगती है। तो ऐसे ही कुछ मैंने कस्टमाइज करने की कोशिश की है कि मेरी बाइक वन ऑफ वन दिखे सभी R15 में। तो एक बार कमेंट करके बताना कैसी लग रही है बाइक। तो चलो फिर इस वीडियो को यही एंड करते, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते फिर ऐसे किसी मोटो ब्लॉग पे, बाय बाय।